वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी 8 मार्क्स के लिए है। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ये। यूज पिकार्ड्स मेथड टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स इक्वल्स टू 0.1 गिवन दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई इक्वल्स टू 1 फॉर एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी 8 मार्क्स के लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन देखिए आप। पिकार्ड मेथड के बारे में आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं, बाय पिकार्ड्स मेथड वी नो दैट वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू वाई ज़ीरो प्लस इंटीग्रेशन एक्स ज़ीरो टू एक्स एफ एक्स वाई एन डी एक्स, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। वेरी क्लियर, ये पिकार्ड का फॉर्मूला है। यहाँ क्या क्या गिवन है, गिवन में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स या इसी को अपन एफ एक्स वाई बोलेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 3x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई ज़ीरो की वैल्यू एक्स ज़ीरो की वैल्यू कितना है, एक्स ज़ीरो इक्वल्स टू 0 है एंड वाई ज़ीरो की वैल्यू जो है 1 है। ठीक है, पूरी वैल्यूज़ को आप यहाँ रखिए, इसका फर्स्ट इटरेशन निकालेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाल रहा हूँ। पुट एन इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, वी गेट 1 में रखिए आप, ये क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये वाई वन हो जाएगा, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वाई वन हो जाएगा, वाई ज़ीरो की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0 है, ये एक्स है, ये एफ एक्स, ये वाई ज़ीरो हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा। तो वाई वन इक्वल्स हो जाएगा 1 प्लस 0 टू एक्स एफ एक्स, वाई की वैल्यू आपके पास है क्या चीज़, क्या है ये 3x प्लस वाई ज़ीरो का होल स्क्वायर, ये आएगा dx। वाई ज़ीरो की वैल्यू रखिए आप, वाई वन इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 टू एक्स, ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 dx। तो ये वाई वन इक्वल्स हो जाएगा 1 प्लस 0 टू एक्स 3x प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये y1 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस, मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 3x स्क्वायर बाई 2, लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो x ही आएगा और ये x मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन y1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर बाई 2, ये मिला। ठीक है, अब जितना ज़्यादा आप अप्रॉक्सीमेशन निकालते जाएंगे उतना ज़्यादा चीज़ जो है क्लियर होते जाएगी। ठीक है, तो अब इसका सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। फॉर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या करना है, n इक्वल्स टू 1 रख दीजिए इन इक्वेशन 1, वी गेट। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपको, वाई टू मिलेगा, ये वाई ज़ीरो की वैल्यू 1 मिलेगी, एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0 मिलेगी, ये x रहेगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3x प्लस यहाँ वाई 1 हो जाएगा, ये यहाँ वाई 1, n की जगह हम 1 रखेंगे तो ये 3x वाई 1 का
स्क्वायर हो जाएगा और ये डी एक्स हो जाएगा। अब वाई वन की वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए यहाँ से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई वन वी गेट, रखिए इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा वाई टू इज इक्वल्स टू वन प्लस ज़ीरो टू एक्स, ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वाई वन की वैल्यू मैं रखता हूँ वन प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू का होल स्क्वायर, इसके बाद डी एक्स। अब ये वाई टू आप निकालिए यहाँ से, वाई टू इज इक्वल्स टू वन प्लस ज़ीरो टू एक्स, ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नाइन एक्स टू द पावर फोर बाई फोर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी टू एक्स प्लस टू बी सी, टू बी सी थ्री एक्स क्यूब प्लस टू सी ए, टू सी ए थ्री एक्स स्क्वायर। इतना होने के बाद इसका डी एक्स, ठीक है आप एक बार चेक कर लेंगे इसको, तो ये y2 टू इज इक्वल्स टू हो जाएगा वन प्लस ज़ीरो टू एक्स, जो कॉमन टर्म्स हैं उसको एक साथ लिखिए, ये वन है, ये वन को लिख लिया मैं, वन के बाद x वाले टर्म्स को लिखता हूँ ये, और ये थ्री टू फाइव एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टर्म्स को लिखता हूँ ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर थ्री और वन फोर एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स क्यू वाले टर्म्स को लिखता हूँ थ्री एक्स क्यूब, ये हो गया, फिर x टू द पावर 4 वाले टर्म्स को लिखता हूँ 9x टू द पावर 4 बाई 4, और ये हो गया dx, ठीक है। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन मैं निकाल रहा हूँ इसका, देखिए क्या होगा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी y2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट की वैल्यू जीरो से एक्स डालेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, वन का इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स आ जाएगा प्लस फाइव का फाइव एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर एक्स क्यू बाई थ्री प्लस इसका कितना आ जाएगा थ्री एक्स टू द पावर फोर, थ्री एक्स टू द पावर फोर बाई थ्री फोर आ जाएगा प्लस नाइन एक्स टू द पावर फाइव नाइन एक्स टू द पावर फाइव बाई ट्वेंटी, ये मिलेगा आपको सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। आप देख लीजिएगा कहीं भी प्रॉब्लम हो तो, वन प्लस एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फोर एक्स क्यू बाई थ्री प्लस थ्री एक्स टू द पावर फोर बाई फोर प्लस नाइन एक्स टू द पावर फाइव बाई ट्वेंटी। अब देखिए थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसका फिर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे वाई थ्री निकालेंगे तो वाई थ्री यहाँ पास आप यूज़ करेंगे, एन के बदले में टू रखेंगे तो हो जाएगा वाई ज़ीरो प्लस वाई ज़ीरो की वैल्यू मैं रख देता हूँ एन इक्वल्स टू टू के लिए, ये हो जाएगा वाई ज़ीरो की वैल्यू वन प्लस एक्स के बदले में जीरो एक्स, और ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई टू का स्क्वायर डी एक्स। अब ये पूरा वाई टू के बदले में आप ये वाली वैल्यू रखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, वन प्लस ज़ीरो टू एक्स थ्री एक्स प्लस वाई टू की जगह में आपको वन प्लस एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फोर एक्स क्यू बाई थ्री प्लस थ्री एक्स टू द पावर फोर बाई फोर प्लस नाइन एक्स टू द पावर फाइव बाई ट्वेंटी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो
तो ये निकालने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं इसी को सेकेंड इटरेशन को ही वाई बोल देता हूँ। तो अपन क्या लेते हैं, यूज़ द पिकार्ड मेथड टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ वाई, तो वी यूज़ द सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि थर्ड निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। वी यूज़ द सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, वी यूज़ द सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, इसी को मैं कंप्लीट सॉल्यूशन मानता हूँ या वाई मानता हूँ। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन वाई, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x क्यूब बाई 3 प्लस 3x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस 9x टू द पावर 5 बाई 20। अब क्या निकालना है अपने को, यूज पिकार्ड मेथड टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल्स टू 0। तो वी हैव टू फाइंड y एट x इज इक्वल्स टू 0.1, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू एट 0.1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1 प्लस 5 0.1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 0.1 का क्यूब बाई 3 प्लस 3 0.1 का पावर 4 बाई 4 प्लस 9 0.1 टू द पावर 5 बाई 20। ये पूरे को कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, पूरे को कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगा, y का जो भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा y एट 0.1 दैट इज इक्वल्स टू, पूरे को यदि आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.126, ये रिजल्ट आएगा आपका। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, यदि समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।